अगर सिक्योरिटी में लापरवाही बरती जाती है तो किस तरह अंजाम भुगतना पड़ता है, आइए हम बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बात वेनेजुएला की है, जहां लाइव टीवी भाषण के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रोन हमले की खबर आ रही है। आपको बता दें कि हमले में मादुरो बाल बाल बच गए, जबकि 7 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बातें शनिवार को रिपीट बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को लाइव टीवी भाषण के दौरान विस्फोटक भरे ड्रोन से मादुरो पर हमला किया गया। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना स्थल पर आग लगने के कारण दमकल कर्मियों को बुलाना पड़ा। ड्रोन हमले की पुष्टि करते हुए वेनेजुएला के सूचना मंत्री जॉर्ज ड्रोंगेंज ने बताया कि मादुरो को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब मादुरो राजधानी करकस में सैकड़ों सिपाहियों को संबोधित कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसमें मादुरो भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक कुछ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वहां मौजूद राष्ट्रपति समेत कई अधिकारी आसमान की ओर देखने लगते हैं। SPN नैनीजुरम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।